कौन कीजिएगा, बीच बीच में आप लोग को मनोरंजन मिलता रहेगा ड्रामे के साथ में, लेकिन यहीं से गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ के माने जाने एक प्रांत जिला के रहने वाले माने जाने ये हमारे बाबू कंसराज पधार रहे। बहुत स्तर को हो रहा है साथियों, हम क्या
पैसा लेकर के चले जाएंगे। लेकिन हम आप सब के लिए देना चाहते हैं, वो मोहब्बत देना चाहते हैं। आप तो पहले सोच रहा हो कि राजू हीरो इस इलाके में आ गए, ना मालूम क्या कर देंगे और क्या नहीं कर देंगे। कर्मचारी साला नजर नहीं दिखाई दे रहा। याद रखना, अगर आज तू शत्रु हमारे सामने आ गया ना, अगर आज तू हमारे सामने आ गया ना साले, तुझे ऐसी मौत मार दूंगा। कभी कानून के किताब में ना तो लिखी होगी, ना ही अरे मैंने कहा है ना कोई दरबार में, मैंने कहा बाबूजी नमस्ते। हम साले
मैंने तेरा हेंटर मार लूंगा, तेरे पूरे बदन में नासूर हो जाएगा बे। नासूर हो जाएगा तो साले में आज बन करके चूने लगेगा। बाबू पहले बात सुन ले, ओके बाद गोली मार दे है, कोई परवाह नहीं बाबू साहब। दूसरा सपन बोल दे, दूसरा सपन ये है बाबू साहब कि जब से फैली ही आज तक बटुरी आराम जाते साले, तुझे मैंने कितनी बार समझाया हो कि हमारी अदालत में गलत वर्ड बोलने वाले को सिर्फ सजाए मौत को दिए गए। तीसरा सपन क्या है बेचारा? तीसरा सपन बाबू साहेब ये है से घुसवा हालात तक निकला है। सवाल तो ने ग्रीन किया है वे, अगर आज मैं जिंदे साले सवाल तो ने किया है, जवाब तुझे देना है वे। अगर तेरे सवालों का जवाब सही नहीं मिला ना तो याद रख साले, हम तेरी जवान को काट के पागल कुत्तों को खिला लूंगा मैं। तेरे सवाल का जवाब बोल, क्या होगा बे बाबू साहेब? बाबू साहेब के सामने तो भाई हरा बताई थी सपन, अब इस आला सपन उड़ी गवा बेका ढूंढी कहाँ? बाबू साहेब खियाल हो गया, पहला सपने है बाबू साहब जब से सूरज भगवान ऊपर चढ़े है आज तक नीचे नहीं उतरे। दूसरे सवाल का जवाब बोल बे। दूसरे सपने का उत्तर ये है बाबू साहब कि जब से धरती माई के फैलाव हुआ है आज तक इकट्ठा नहीं रहे। हर साल काफी होशियार। तीसरे सपने का जवाब बोल बे। तीसरा सपने का उत्तर यही है बाबू साहब कि जब से मुर्दा कब्रिस्तान में घिसोड़ दिन कहा तब से सारा ऊपर नहीं निकला। हमारी अदालत में ले जाने की सजा तुझे क्या है मैं? सबसे पहले आए हैं नौजवान साथियों, सभी माताओं बहनों से बच्चों से बता दे मैं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या नाम के साथ साथ हमने सब बचपना रहा हमार कुछ जाना तो ना रहे है बाबू साहेब। आज तक पहले उस जमाने की बात आप सोचिए जब हमार जब तोहार बाबू हम रहे है। बाबू साहेब बात समझ ले हा, जब तुहार बाबू हम रहे ऐसी के साथ साथ बाबू साहेब उसी जमाने की बात जब तुहार भाई हमारे मेहरारू रहे। जब हमारे पिताजी आपके पिताजी रहते थे तो आपके पिताजी की नौकरी हमारे पिताजी करते थे, आज जब से हमारे पिताजी गुजर गए तब से आपका हम करते यही नौकरी क्या? आज जब हमारे घरारू
सेवा हमारा मेहरा करती रही। आज इन भाइयों के सामने अगर आपका नाम आपका परिचय बताता हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने मुंह से देते हैं तो और अच्छी बात होगी। ये आगे हमारे बड़े भाई साहब अखिलेश जो इसी ग्राम सभा के गिरीश के रहने वाले, एक 23 रुपए का पुरस्कार है। सीन को देखते हुए भैया बार बार नमस्कार बा। ये आगे अपने पार्टी के कलाकार उस्ताद साहब के इन्हीं ढोला को उस्ताद विपिन अरे कहाँ है आप सवाले अंडा दिए कहाँ का करेंट बजावा है। जब भाई अनीता राजा है जी यहाँ गावा करेंट करेंट बजावा है। ये उस्ताद के भैया 11 रुपए का पुरस्कार है। बड़े भैया बार बार नमस्कार बा आशीर्वाद की कामना करते हैं। हमारी तरफ से हमारे राजू मास्टर और डांसर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। आप लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया साथियों, और इस बात हम आप सबको अपनी संगीत की दुनिया में लेकर के चलता हूँ। चाचा को सुनाई देगा।
आशीर्वाद कभी नहीं खबर मैं ना सौरभ का और लगा हेलो क्या सर शंकर लाल का मकान यही है सर शंकर लाल का नाम सुनते ही औरत अपने घर को छोड़ दिया और उसके आंखों से आंसू की बरसात होने लगी है मैंने कहा ठीक है उसको परिचय दिया उसने कहा कि ठीक है अगर तुम्हें नौकरी करना है तो मेरे पास आ जाना रूम में यहाँ से दफा हो जाना चल आज से थानी से फिर बात किया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा मैं अच्छा ठीक है लेकिन कैसे चलते हैं Oh,
तो बाद अपने धर्मपत्नी से मुलाकात करूंगा, उसके बाद फिर बच्चों के बारे में सोचूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो Come on.
आगे जो भक्तों को प्रबंध निवासी है, ये 11 रुपए का पुरस्कार हुआ हमारे बड़े भैया के गीत पे। और चाचा जी बार बार नमस्कार भाई आशीर्वाद की कामना करते हैं। राजू मास्टरी बागी भैया गुप्ता, इनका पता है जल्लूपुर पुलिया स्कूल के बगल। किसी भी शुभ अवसर पर एक बार जरूर सेवा का सौर प्रदान करें बड़े भैया को, एक यानी 11 रुपए का पुरस्कार आया भैया। ये हमारे राम किशोर मिश्री जो कि करौंदी के निवासी हैं, मकान बनाने में बहुत अच्छे कारीगर हैं, इनको अच्छी तरह से हर डिजाइन का ये जो है मकान बनाते हैं। जिस भाई को संपर्क करें जरूरत हो, ये हमारे राम किशोर मिश्री करम जी के रहने वाले इनसे संपर्क करें। ये भाई साहब की तरफ से हमारे लिए ये 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी चर्च से। धन्यवाद स्वामी जी। सबसे पहले भाई आप लोग सामने अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ स्वामी जी? मैं इसी बगल में जिला गोरखपुर पड़ता है। मैं इस गोरखपुर के बगल में गोमतीपुर गोमती नगर का मैं रहने वाला हूँ बाबू। बाल्यावस्था में माता पिता का स्वर्गवास हो गया, माता पिता का स्वर्गवास नहीं पाला बाबू। घर में मैं हूँ और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम बिजली। बाबूजी एक समय की बात है, गरीबी ने इतना लाचार कर दिया हम भाई बहन को कि गांव में रहना मुश्किल हो गया और जाने जाने का हम भाई बहन मुस्ताद हो गए। बाबूजी बाबूजी कहने लगा, बहन इस गांव में न रहेगी तो हम दोनों का पेट नहीं भरेगा, इससे बेहतर है कि हम परदेश चले जाए। मेरी बहन बिजली मेरी बात को मान गई। बाबूजी हम भाई बहन स्टेशन पर पहुंचे। बाबूजी स्टेशन पर पहुंचे, उधर से ट्रेन आई बाबू और ट्रेन पर तो मैं चल गया लेकिन मेरी बहन वहीं पर। बाबूजी ट्रेन कुछ ही पल में कानपुर स्टेशन पहुंच गई और वहां पर रुकी तो मैं अपनी बहन को हर डिब्बे में ढूंढने लगा, मेरी बहन नहीं मिली। फिर मैं वहां से वापस आया स्टेशन पर, मैं अपनी बहन को ढूंढने लगा लेकिन मेरी बहन नहीं मिली। बाबू मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन के लिए मैं बहुत परेशान हो गया। बाबूजी मैं सोचा
कि मैं इसी कानपुर शहर में रह करके मैं पढ़ाई करूंगा। अगर हो सकता है भगवान ने मेरी नौकरी लगा दिया तो मैं एक ना एक दिन नौकरी भी करता रहूंगा और अपनी बहन को जहां कहीं बर्दी होगी उसे मैं स्कूल में निकालूंगा। आज मैं बहुत थक गया हूँ और मुझसे चला भी नहीं जाता है। थोड़ी देर यहीं पर आराम करूंगा, उसके बाद फिर किसी गांव में जाऊंगा बाबू और ज्योति का सवाल करूंगा। लेकिन ये समझना भूलना मत,
जब तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी पहली तनख्वाह पाना तो सब अपना हमारा पेमेंट दे देना। भगवान गीता से मेरी नौकरी लग गई, अगर मैं पहला पेमेंट पाऊंगा तो जरूर मैं आपको पहुंचा दूंगा। पहुंचाया जी, आज इतना कष्ट उठाया तो अरे रस्तवा से आप कहीं जात रही था हम। अच्छा, रस्तवा में ना पता यहाँ जरूर। या भगवान, भगवान का घर बहुत बड़ा होता है बाबू, किसी को गरीब बना देता है तो किसी को अमीर बना देता है। अगर बाबूजी सभी अमीर ही हो जाएं तो कौन किसी सुन सकता है। बाबूजी मैं चाह रहा हूँ नौकरी करता रहूंगा, उसके बाद कभी बहन को ढूंढ निकालूंगा। Yeah, I'm gonna make it.